सो हेलो एवरीवन, ये हमारा हेयर स्पा लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का हमने हेयर स्पा लिया है, जो विटलाइजिंग क्रीम बात है और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर दे रखी है। वैसे तो ये काफ़ी जनरल स्टोर पर, जो आपका कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपका स्टोर है वहाँ पर भी अवेलेबल है, बड़ी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और मैं आपको इसको बता देती हूँ कि हेयर स्पा किस लिए किया जाता है। अगर आपके हेयर में डलनेस है, आपके हेयर स्मूथ नहीं है, आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ही ड्राई हो रहे हैं, तो ये एक तरीके का प्रोटेक्ट आपको देता है, आपके हेयर को हेल्दी बनाता है। इसकी MRP आपके सामने है और इसका ग्राम 419 ग्राम है और इसके जो टेक्सचर है ये देख लीजिए, वाइट कलर का है एकदम से। आजकल जो केराटिन जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी तरह ही ये क्रीम है। जो केराटिन क्या है, वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। अब आइए हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो हमारा मैनीक्योर पेडीक्योर किट है, जो इसकी डिटेल बिल हमारे पास में आ चुका है। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ और ये VLCC का पेडीक्योर फुट केयर किट है, जिसमें हमें 4 स्टेप दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, और ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूँगी। इसकी डिटेल भी आपको दे रखी ही है और आप इसे अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर और जो भी आप साइट यूज़ करते हैं वहाँ पर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, वरना आपको पास के अपने स्टोर से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। मैंने इसका रिव्यू देना है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये किस तरीके का इसकी पैकेजिंग है और इसकी MRP भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तकरीबन मुझे 250 के करीब 500 के करीब पड़ा था और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हमारा एक सीरम टाइप से था, जो मतलब काफ़ी ऑयली बेस सा तो नहीं था, बस मतलब विटामिन सी का एक सीरम था, उस पर दिया हुआ भी है। और जो सेकंड स्टेप वो हमारा ये एक क्रीम बेस है, पहले आप यही दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा स्क्रब है, जैसे कि इस पर मेंशन है लेमन का है, जो विटामिन सी अगर आप लेते हैं, इसमें और वैरायटी भी हैं आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने विटामिन सी का ही परचेस किया है बिकॉज विटामिन सी आपके स्किन को ग्लोइंग तो बनाता ही है, साथ में आपके स्किन पर जो डेथ सेल्स होती हैं उसको ये रिमूव करता है। इसके MRP और इसके एक्सपायरी डेट इस पर मेंशन की हुई है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके पार्टिकल्स मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इसका प्रोडक्ट है और किस तरीके के यहाँ पर इसके जो चंक्स होते हैं, मतलब जिस तरीके से हम स्क्रब करते हैं, स्क्रब अगर हुआ है नहीं तो हमारे स्किन पर अच्छे से ये स्क्रब का काम नहीं करेगा। इसलिए आप ज़रूर इसको चेक करिएगा कि जो स्क्रब के जो डॉट्स होती हैं वो अच्छा इसमें होना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा था। अब ये हमारा क्रीम आ जाता है, फुट क्रीम। ये क्या है, कोकोआ बटर क्रीम है। ये क्या होता है, हमारे स्क्रब के बाद में इसको हमने मसाज देनी है, मसाज अच्छे से हम देंगे और हमारे जो हैंड है, हमारे फीट हैं, उस पर जो एक तरीके की ड्राइनेस आ जाती है जब हम स्क्रब करते हैं तो उसके पोर ओपन हो जाते हैं, तो हम इससे हम मसाज देंगे। जब इसका मैं आपको एक रिव्यू, मतलब एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी केवल मैं प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको केवल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इसका क्रीम देख लीजिएगा, ये हल्का सा येलो टोन दे रहा है। और अब हमारा ये थर्ड स्टेप है, ये हमारा क्या था, ये फुट स्प्रे। अच्छा, ये लास्ट में ये स्प्रे हमारा फुट स्प्रे है जो लास्ट में फर्स्ट क्लींजर, पहले हम अपने फुट को वार्म वाटर से, इसमें जो फर्स्ट स्टेप दे रखा है एक और सीरम है वो, उसको हमने इसमें डालकर यूज़ करना है, उसके बाद में हमने स्क्रब करना है, उसके बाद में क्रीम लेना है और फाइनली हमने इस स्टेप को अपने हैंड और फीट पर स्प्रे करना है। एक तरीके का ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके की हार्म से, जो हमारी किसी कोई इन्फेक्शन वगैरह, अगर कोई ऐसा पोर्स कोई प्रोडक्ट ऐसा चला गया है या फिर किसी तरीके का कोई हमारी स्किन पर, जब हम मैनीक्योर पेडीक्योर करते हैं, जो टूल्स का यूज़ करते हैं उसमें अगर हमारा कोई ऐसा, सॉरी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है,
तो उसको ये हमें प्रोटेक्ट करता है उससे, एक तरीके के एलर्जी से या फंगस से या किसी तरीके के इन्फेक्शन से। यस, इन्फेक्शन से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अब इसका आप ये बेस देख लीजिए, ये क्या है। ये सबसे पहले हम वार्म वाटर में इसके 2 से 3 जो टेबलस्पून है इसमें हम ये ऐड करेंगे। उसके बाद में हम अपने हैंड और फीट को इसमें सोक करेंगे तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। उसके बाद में हमने स्क्रब करना है। मैंने आपको इसकी डिटेल भी दे दी है और इसके करने का तरीका बता दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको फुल वीडियो कर कर भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैनीक्योर पेडीक्योर हम होम पर भी कर सकते हैं और हम अपने पार्लर पर भी, जो हमारी एकेडमी है, हम उस पर भी आपको बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हमारी एकेडमी से रिलेटेड आपकी को वीडियो रिसीव होती रहें और इसी तरीके की वीडियो उसे आप नॉलेज भी हासिल कर सकें। थैंक यू।